हेलो, गुड इवनिंग. चेतना, स्पर्श, अक्षता, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग सर. गुड इवनिंग सर. फाइन सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग चेतना. ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे. बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, लेट मी आस्क इफ देयर इज एनी डाउट in the previous chapter. Chetna, Akshita or Sparsh? No sir. Is there any doubt in the previous chapter? Anyone? No. Chetna, Akshita. Okay. So shall we proceed with the new chapter? We are gonna start a new chapter, which is a production function. This is also from microeconomics. Usually hum production function cost wale chapter se pehle padhte hain, लेकिन आप लोगों को मैंने कॉस्ट पहले पढ़ाया है, प्रोडक्शन फंक्शन बाद में पढ़ रहा है, तो इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं. ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं सारी चीजें एक दफा सेट कर लूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. एक मिनट रुक जाएंगे सर. या ओके, सो आप में से कोई मुझे बताएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? कुछ भी आपको एक ऐसी रफ आइडिया है कि व्हाट इज प्रोडक्शन? स्पर्श बताओ. स्पर्श, यस सर, क्या समझ आता है आपको प्रोडक्शन टर्म से? क्या समझ आता है सर? मतलब कुछ चीज प्रोड्यूस करना. कोई चीज प्रोड्यूस करना, करेक्ट. अच्छा, प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है ना, उसे क्या कहते हैं? थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्विस, व्हाट डू वी यूजुअली कॉल इट इन इकोनॉमिक्स? चलिए, सॉरी सर, रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल, ओके. रॉ मटेरियल बेसिकली एक 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 चीज है, उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. देखो मैं बताता हूँ आपको प्रोडक्शन का क्या मतलब है. सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं. प्रोडक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है, प्रोसेस थ्रू विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट. एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं. तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट. ठीक है, जैसे आप जब सपोज किसी फैक्ट्री में जाओगे ना, तो फैक्ट्री क्या करता है? फैक्ट्री जो है, मान लीजिए कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, उसका फाइनल प्रोडक्ट कोई एक्स वाई जेड कोई प्रोडक्ट बनाता है. लेकिन फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले ना, कोई भी चीज का बहुत लंबा प्रोसेस होता है. सबसे पहले वो फैक्ट्री क्या करती है, वो रॉ मटेरियल परचेज करती है, फिर जो है वो उस पे उसकी प्रोसेसिंग करती है, और उसके लिए जाहिर है वो किसका इस्तेमाल करती है, वो मशीन का इस्तेमाल करती है सर, और कई दफा जो है लेबर का इस्तेमाल भी करती है. अच्छा, प्रोसेसिंग करने के लिए हमें फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ती है. फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी इनपुट को, किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे. और जब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कोई चीज प्रोसेस हो जाएगी, फिर हम उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. देखो, किसी भी फैक्ट्री के अंदर ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ये रोल होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. जब उनके पास इनपुट रिसीव होगा, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको या इस पर्टिकुलर लेवल तक उसको प्रोसेस करना है. जब उतनी प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फर्दर आगे दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देगा. और ऐसे ही एक प्रोडक्ट को बनने में कई सारे डिपार्टमेंट्स बीच में होते हैं, कई सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स बीच में होते हैं, और इवेंचुअली सारे प्रोसेसिंग यूनिट से होते हुए अल्टीमेटली फिर वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये जो पूरा प्रोसेस इसके पीछे लगा,
रॉ मटेरियल लाए हैं हम, प्रोसेसिंग करी, मशीन, लेबर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी लगाया, और डिपार्टमेंट बाई डिपार्टमेंट वो फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट में होता, वो फाइनल प्रोडक्ट बना. तो बीच में जितना भी प्रोसेस इन्वॉल्व है बिफोर इट एक्चुअली बिकम्स द फाइनल प्रोडक्ट, उसको, उस पूरे प्रोसेस को, दैट एंटायर प्रोसेस इज कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन इज बेसिकली अ प्रोसेस थ्रू विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट. अब ये जो है ना इकोनॉमिक्स में, ये सब क्या है, ऑल दीज आर कॉल्ड इनपुट्स. क्या आप रॉ मटेरियल, मशीन, लेबर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, प्रमाइसेस, या जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसके लिए जितनी चीजें लगी हैं उसको हम इनपुट कहते हैं. और इनपुट के अलावा एक और प्रॉपर सा नाम दिया गया है इकोनॉमिक्स में, वी ऑल्सो कॉल इट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये मैं आपको लास्ट वाले चैप्टर में भी बता चुका हूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो सारी चीजें जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसे मैंने आपको याद होगा एग्जांपल ले रहे थे हम कैफे का, कि सपोज अ पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ कैफे, तो उस कैफे को स्टार्ट करने के लिए उसे जिन भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कैफे में, सॉरी हम बात कर रहे थे आइसक्रीम पार्लर की, आइसक्रीम पार्लर के लिए उसको जो भी चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल चाहिए, स्टाफ चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर चाहिए, ये सारी चीजें जिसकी जरूरत उसको आइसक्रीम पार्लर चलाने के लिए पड़ेगी, आइसक्रीम बनाने के लिए पड़ेगी, वो सब कलेक्टिवली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम उसको दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना, एक होता है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देन देर आर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो आप लोगों को इसका एक फेयर आइडिया है ना, फिक्स और वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, या डू आई हैव टू एक्सप्लेन इट अगेन, प्लीज लेट मी नो. चेतना, अक्षिता और स्पर्श, आपको ये पता है फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? Yes, या sir, मैं आपको बताऊं दोबारा से? सर पता है. स्पर्श के अलावा चेतना प्लीज इन्वॉल्व, अक्षिता आप बताइए. पता है सर, एक बार बता दो. बता दूं, चलिए जैसे हम ना हम बात कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ. हम बात कर लेते हैं किसी, सपोज किसी कैफे की. अक्षिता को कोई कैफे स्टार्ट करना है, ठीक है, तो अक्षिता को उस कैफे के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो कौन से इनपुट्स हैं जिसको अक्षिता, जो अक्षिता को चाहिए होंगे. कैफे बेसिकली मान लो वहां पे आपका सिर्फ पर्पज, सिर्फ और सिर्फ आपका पर्पज है आप कॉफी सेल करेंगे, तो आपको क्या चाहिए कॉफी सेल करने के लिए? सर कॉफी से रिलेटेड जो भी इनपुट्स है ना, जो रॉ मटेरियल है, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी सबसे पहले. तो इसके अलावा सर जो कस्टमर्स आएंगे ना, उनके लिए, उनको उनको बैठने के लिए, उनको सर्व करने के लिए आपके पास फर्नीचर होना चाहिए, टेबल एंड चेयर्स, एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए होगा आपको, है ना, जहाँ पे आप कैफे स्टार्ट करोगे, तो वो स्पेस बिल्डिंग हो सकती है, शॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इसके अलावा कस्टमर्स को सर्व करने के लिए स्टाफ चाहिए. अच्छा, आपको ना एक मैनेजर भी चाहिए जो पूरे कैफे को मैनेज करे. आप एंटरप्रेन्योर और आप पैसा लगा रहे हैं, लेकिन आपको बिजनेस मैनेज करने के लिए मैनेजर चाहिए, ठीक है. अच्छा, कुछ इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे कैफे में, ठीक है, जो जिस भी, जिन भी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है कैफे में, उस तरह के इक्विपमेंट चाहिए. मान लेते हैं ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको कैफे अगर स्टार्ट करना है, तो इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. अल्टीमेटली ये सारी चीजें लगा के आप क्या बनाएंगे वहां, आप बनाओगे कॉफी. तो कॉफी पता है क्या है आपका, कॉफी इज योर फाइनल प्रोडक्ट, कॉफी इज योर फाइनल, ये बनेगा तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये बनाना चाहते हैं, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट. लेकिन इसको बनाने के लिए जो कुछ भी आप अप्लाई कर रहे हो ना, जो इनपुट्स आप लगा रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं आप, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वेरिएबल, वेरिएबल सॉरी, उसको हम कहेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो ये सारी चीजें जो हैं, ऑल दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड फैक्ट,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है अक्षिता, यहां तक क्लियर है? यस सर. ये आपका प्रोडक्ट है, दिस इज योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना अक्षिता, ये इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होते बिजनेस के अंदर. जैसे मान लीजिए आपने, क्योंकि अभी बिजनेस स्टार्ट किया इनिशियली और करेंटली यू आर मेकिंग 200 कप्स ऑफ कॉफी एवरी डे, हर रोज आप 200 कप्स ऑफ कॉफी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कस्टमर को सर्व कर रहे हैं. तो आपको रॉ मटेरियल लग रहा है, मान लो 10 किलो, 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है इतनी सर्विस, इतना इतना प्रोडक्शन करने के लिए. मैं एज रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कितना पैसा लगेगा, कितना रॉ मटेरियल लगेगा. मैं आपको एक ऐसे ही बता रहा हूँ कि 10 किलो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी. फर्नीचर हमारे पास चार फर्नीचर हैं, टेबल एंड चेयर्स कलेक्टिवली आप इनिशियली इससे काम चला रहे हैं. स्पेस जो है ना आपका, स्पेस आपका मान लीजिए, मान लो 1000 स्क्वायर फीट का आपने स्पेस लिया है, 1000 स्क्वायर फीट का आपने स्पेस लिया है कि आप यहाँ पे कैफे रन करोगे. स्टाफ आपने रखे हैं, मान लो इनिशियली आपके पास सिर्फ 2 स्टाफ है, मैनेजर आपने 1 रखा है, इक्विपमेंट जो है, इक्विपमेंट आपके पास 4 है, जिस भी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है वो 4 इक्विपमेंट. ठीक है, आप मेरे को बताओ, ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा 200 कप्स ऑफ कॉफी ही बनाएंगे, आप ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज्यादा भी करेंगे. जब आप 200 कप्स ऑफ कॉफी बना रहे थे ना, तब आपको ये फैक्टर जो प्रोडक्शन लग रहे थे, रॉ मटेरियल, फर्नीचर, स्पेस, स्टाफ, मैनेजर, इक्विपमेंट, उसकी क्वांटिटी इतनी इतनी लग रही. अब आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, जब आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, 500 कप्स ऑफ कॉफी आप अगर दिन में बनाएंगे हर रोज, तो आप मेरे को बताओ क्या इनमें से कोई ऐसी चीज है जिसकी क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, या इतनी ही क्वांटिटी में आपका काम चलेगा? कोई ऐसी चीज बताइए कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो उनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी? अक्षिता बताएंगे सर. रॉ मटेरियल. क्यों रॉ मटेरियल? क्योंकि सर 200 कप्स के लिए अगर 10 किलो रॉ मटेरियल लग रहा है, तो 500 कप्स के लिए आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा. मुझे नहीं पता कितना लगाना पड़ेगा, लेकिन ये पॉइंट हमें क्लियर है कि क्वांटिटी अभी जो भी लग रही है उससे ज्यादा लगेगी. अच्छा, अगर फर्नीचर की बात करें, बताओ अगर आप 500 कप्स ऑफ कॉफी बनाओगे, फर्नीचर आपको और ज्यादा फर्नीचर परचेज करने पड़ेंगे, इतने में काम चल जाएगा? सर करने पड़ेंगे. क्यों करने पड़ेंगे बताइए? सर अगर ज्यादा कस्टमर्स आएंगे तो. अच्छा करेक्ट. देखो मैं मान लेता हूँ ना, फर्नीचर की कैपेसिटी है. अच्छा, कस्टमर ना एक साथ नहीं आता अक्षिता, कस्टमर जो है वो ड्यूरिंग द डे आएंगे, कुछ सुबह आएंगे, दोपहर में आएंगे, शाम में आएंगे, रात में आएंगे, इस तरीके से इवनली वो कस्टमर जो ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, थोड़ा सुबह थोड़ा. तो हम मान लेते हैं फर्नीचर की इतनी कैपेसिटी, हमें लग रहा है कि यार वो हर रोज जो है मान लीजिए 300-400 क्राउड का जो कैपेसिटी ऑफ कस्टमर जो है वो इजीली हैंडल कर सकता है. मैं इसको 14 कर देता हूँ, एक्चुअली 14 टेबल एंड चेयर्स है. तो जब आप 500 कप्स ऑफ वो प्रोडक्शन करोगे कॉफी का, तो आपको टेबल चेयर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इन फर्नीचर और चेयर्स में काम चल जाएगा. और आमतौर पर ऐसा होता ही है, आप किसी कैफे जाओगे ना, आप जाइए किसी कैफे और आप ना, आप 2 महीने के इंटरवल में वहां विजिट करिए, कि जैसे आप अभी जा रहे हो, अभी चल रहा है अगस्त, आप अभी जाओ किसी कैफे, सपोज आप सीसीडी चले जाइए, कैफे कॉफी डे, और आप एक बारी जाओ अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर, आप जब वहां जाओगे ना, आपको क्या वहां पे फर्नीचर चेंज होता हुआ नजर आएगा? आपको लगे वहां पे आप तो वैसे, अगर आपने कभी विजिट किया हो आपको आइडिया होगा, आप अगर सीसीडी जाओगे ना, तो आप देखेंगे कि साल भर उनके पास सेम ही चेयर्स एंड टेबल्स रहती हैं, उनको और ज्यादा एड ऑन करने का जरूरत नहीं पड़ता वहां पे फर्नीचर. समझ आ रही है बात? मतलब फर्नीचर एक ऐसी चीज है जो कस्टमर्स के बढ़ने पे बढ़ाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इमीडिएट बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ. अनलेस एंड अंटिल आप एक मेजर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो आपको और फर्नीचर चाहिए. लेकिन अगर आपके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो फर्नीचर उतने कस्टमर्स को हैंडल कर सकता है, तो फर्नीचर बढ़ाने की आपको जरूरत नहीं है. अच्छा, इसी तरीके से स्पेस, अगर आप ज्यादा कॉफी बनाएंगे तो आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी क्या? आंसर इज नो. सर आप उसी स्पेस में मैनेज कर सकते हैं सारी चीजें. स्टाफ लेकिन ज्यादा चाहिए, ज्यादा कॉफी बनेगी, ज्यादा कस्टमर्स अगर आएंगे तो उनको सर्व करने के लिए ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी. मैनेजर, मैं मान लेता हूँ एक मैनेजर जो है वो 1000 कस्टमर्स को हैंडल कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल हर रोज जो है 1000 कस्टमर को हैंडल कर सकता है, अभी 500 कस्टमर्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है मैनेजर जो है वो भी चेंज करने की जरूरत नहीं है.
इक्विपमेंट जो है हमारे पास, जो इक्विपमेंट है वो 5,000 कप्स ऑफ कॉफी हर रोज बना सकते हैं, हर रोज 5,000 कप्स ऑफ कॉफी बना सकते हैं. अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली 500 कप्स ऑफ कॉफी एवरी डे, तो हमें इक्विपमेंट में भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. समझ रहे हैं बात? तो इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन जब चेंज किया ना मैंने, मुझे कौन सा वाला फैक्टर चेंज करना पड़ा, मुझे एक तो अक्षिता रॉ मटेरियल चेंज करना पड़ा, ये करना ही पड़ेगा आपको. इसके अलावा मुझे लेबर्स और चाहिए, स्टाफ चाहिए, तो स्टाफ भी बढ़ गया. क्या चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी? सर फर्नीचर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं फर्नीचर सफिशियंट है 500 और 1000 कस्टमर्स के लिए. स्पेस जो है जो हम यूज कर रहे हैं वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी. मैनेजर जो है वो इजीली इतने कस्टमर्स हैंडल कर सकता है. इक्विपमेंट जो है उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करने की है, तो ये भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी. रॉ मटेरियल स्टाफ क्या है? एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दिस इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फर्नीचर स्पेस मैनेजर इक्विपमेंट ये भी क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लेकिन ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो रहे हैं. आप 200 किलो का प्रोडक्शन, 200 कप्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, आपको 10 किलो रॉ मटेरियल लग रहा था, लेकिन आप 500 कप का प्रोडक्शन करेंगे ना तो आपको हो सकता है 20 किलो या 25 किलो का रॉ मटेरियल लगे. स्टाफ अभी 2 स्टाफ से काम चल रहा था आपका, लेकिन ऐसा हो सकता है आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे ना तो आपको ज्यादा स्टाफ, 10 स्टाफ 15 स्टाफ रखना पड़ सकता है. तो ये सारे फैक्टर जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं ना अक्षिता, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और जिनको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना एक लंबे टाइम तक, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. समझ आया अक्षिता? कोई डाउट है पूछें? नो सर. ठीक है, तो मैं बेसिकली ये बता रहा हूं आपको कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन वी नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड मशीनरी, लेबर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल द थिंग्स विच कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और उसको हम 200 में क्लासिफाई करते हैं, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर. ठीक है. अच्छा एक मिनट, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. तो प्रोडक्शन का मतलब है, प्रोडक्शन मीन्स अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स द इनपुट इनटू आउटपुट. और आप देखो किसी भी फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो फैक्ट्री चाहे वो कार मैन्युफैक्चर कर रही हो, हाउसेस बना रही हो, कंस्ट्रक्ट कर रही हो, फूड प्रोड्यूस कर रही हो, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रही हो, इन सभी फैक्ट्रीज में जो भी जिस भी तरह का प्रोडक्शन हो रहा हो, हर फैक्ट्री को इनपुट चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अब हमने क्या किया ना, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना अक्षिता, उसको हमने प्राइमरीली 4 हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया है. जैसे अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर किए, हमने देखा कि सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल, फर्नीचर, स्पेस, स्टाफ, मैनेजर, इक्विपमेंट और ऐसी और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना सकता हूं मैं जिसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में काउंट करेंगे. लेकिन हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करा, हमने उसको वो उसकी बहुत एक प्रिसाइज सी क्लासिफिकेशन कर दी. हमने कहा यार जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, एक काम करते हैं उसको 4 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली 4 तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. मैं नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं. तो इसके अंदर लैंड आएगा, लेबर्स आएगी, कैपिटल आएगा और एंटरप्रेन्योरशिप आएगा. समझ आया? मतलब किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ना प्राइमरीली हमें ये 4 चीजें चाहिए होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. जितने भी रिसोर्सेज आप लगा रहे हैं ना उन सबको इसी कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल. समझ आ गया सबको? लैंड क्या है? लैंड इज बेसिकली द स्पेस जहां पे आप किसी भी प्रोडक्शन, किसी भी बिजनेस को कैरी ऑन करते हो, चलाते हैं. और लेबर वो है जिसका इस्तेमाल करके आप सर्विसेज रेंडर करते हैं, है ना, स्टाफ जो है बेसिकली. कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी यू आर इंटेंडेड टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर बिजनेस.
तो कैपिटल इज बेसिकली दी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योर कोई बताएगा आप में से? चेतना या स्पर्श, आप में से कोई भी बताओ. सर जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसने बिजनेस में पैसे लगाए हैं. करेक्ट, तो वो होता है एंटरप्रेन्योर. अब एंटरप्रेन्योर क्या करता है ना, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यूज करता है बिजनेस में. देखो बिजनेस चलाने के लिए ना आपको लैंड लेबर कैपिटल के अलावा स्किल्स भी चाहिए. दैट स्किल्स आर कॉल्ड बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स. एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कैरी आउट द बिजनेस, हु स्टार्ट्स द वेंचर. कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस जो स्टार्ट करता है वो एंटरप्रेन्योर है. और वो उसको चलाने के लिए जिस तरह की स्किल की जरूरत होती है उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स. याद रखो जितना इंपॉर्टेंट किसी बिजनेस के लिए लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, उतना ही इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप है. सपोज जैसे अक्षिता की बात करते हैं, अक्षिता ने कैफे स्टार्ट किया, फंड इन्होंने कैपिटल जो है अपने पेरेंट्स से ले लिया, लेबर इन्होंने हायर कर लिया बाहर से, जमीन या स्पेस की जरूरत थी इन्होंने रेंट ले लिया, सारी चीजें इनके पास है कैफे चलाने के लिए, जो भी इनपुट्स की जरूरत थी सब इन्होंने अरेंज कर लिया. लेकिन अक्षिता को ना मान लो कैफे चलाने की स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन्हें नहीं पता कि हम कैफे किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की कमी है. तो इवन दो ये सारी चीजें हैं उसके बावजूद बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. तो जैसे किसी बिजनेस में लैंड लेबर कैपिटल इंपॉर्टेंट होता है, सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस. ठीक है, खैर हम इस चैप्टर में जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चार हिस्सों में बेसिकली क्लासिफाई कर रहे हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, या आप वो भी कह सकते हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो ये माना जाता है कि लेबर्स आर वेरिएबल फैक्टर. हमारे चैप्टर के हिसाब से लेबर्स क्या है? वेरिएबल फैक्टर्स. मतलब प्रोडक्शन आप बढ़ाओगे ना, ये आपको बढ़ाना ही पड़ेगा. अच्छा अब आगे चल रहे हैं. देखिए नेक्स्ट पॉइंट के प्रोडक्शन. अच्छा प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, हमें प्रोडक्शन करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सर प्रोडक्शन ना हमारी यूटिलिटी, हमें एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है. प्रोडक्शन से क्या होता है, हमारी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन बढ़ती है. जैसे मान लीजिए हमारे घर में ना खाना बनता है ऑब्वियसली, तो हमारे घर में जो भी खाना बनता है ना वो उसके पीछे एक बहुत लंबा प्रोसेस है. जैसे अगर मैं सिर्फ रोटी की बात करूँ तो रोटी बनने से पहले का जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी है. के सर पहले ना, पहले मान लो प्रोडक्शन होती है वीट की, फिर जो है वीट से फ्लोर बनता है, आटा बनता है, फिर आटे को गूंदा जाएगा, फिर तवे पर डाला जाएगा, इवेंचुअली आपको रोटी मिलेगी, फिर आप रोटी कंज्यूम करोगे. तो ये जो रोटी बनने से पहले का जो प्रोसेस है ना सारा, उसको हम प्रोडक्शन कह रहे हैं. प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपको रोटी नहीं मिल सकती. बेसिकली वो जो रॉ मटेरियल है ना, वीट या फ्लोर आटा, प्रोडक्शन करने से उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी. अगर हम प्रोडक्शन नहीं करें, हमारे लिए आटा यूजफुल नहीं, हमारे लिए रोटी यूजफुल है. तो जब तक वो एक प्रोसेस से नहीं गुजरेगा वो हमारी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता. तो प्रोडक्शन बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल चीजें बनाता है, हमारी यूटिलिटी बढ़ाता है या रॉ मटेरियल की यूटिलिटी इनहेंस करता है. तो इसलिए प्रोडक्शन जरूरी है. ठीक है, तो ये एक इलस्ट्रेशन है बेसिकली कि आप इनपुट डालेंगे तो अल्टीमेटली आपको आउटपुट मिलेगा. तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको कोल की जरूरत पड़ती है, या आप थर्मल एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी का इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक सेट ऑफ इनपुट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इवेंचुअली फिर आपको आउटपुट मिल पाएगा. अच्छा ये भी एक इलस्ट्रेशन है प्रोडक्शन का ही, कि अगर आप यहाँ ये समझ पा रहे हैं तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कि इनपुट यहाँ पे क्या है, आउटपुट क्या है. आगे चल रहा है. फिर मैंने आपको बताया अभी कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड लेबर कैपिटल, और उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप में क्लासिफाई कर सकते हैं. तो एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड लेबर और कैपिटल. अब आ जाते हैं कि सर ये भी आपने बता दिया फिक्स फैक्टर क्या होता है. यहाँ मैंने बताया फिक्स फैक्टर रिफर्स टू दैट फैक्टर विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. फिक्स फैक्टर्स आर एप्लीकेबल इवन व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन. अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी करोगे ना तो फिक्स फैक्टर एप्लीकेबल होगा. मतलब अगर आपने दुकान बंद कर दी है, मान लो जैसे कोई इवेंट है, कोई फेस्टिवल है, किसी वजह से कोई आपके घर पे कोई फंक्शन है, आप दुकान नहीं खोल रहे हैं,
आपने कैफे स्टार्ट किया है लेकिन आप फॉर द टाइम बिंग आप शॉप क्लोज रखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आपको शॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉप को आपको तब भी रखना पड़ेगा अगर आप किसी वजह से प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके पास फिक्स फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो फिक्स फैक्टर हमेशा उसकी जरूरत पड़ती है आपको। फिक्स फैक्टर में प्राइमरीली हम इंक्लूड करते हैं लैंड है बिजनेस के अंदर, मशीन है, बिल्डिंग है, या बिजनेस में कोई परमानेंट स्टाफ है, ये सब अमूमन यूजली फिक्स फैक्टर में काउंट किए जाते हैं। और वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर रिफर्स टू दोज फैक्टर विच चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। एज आउटपुट इंक्रीजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑल्सो राइजेस। जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर है, फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब आपके लिए या किसी भी बिजनेस के लिए एक वेरिएबल फैक्टर होता है। तो आगे बढ़ने से पहले यहां तक क्लियर कर लेते हैं। चेतना, स्पर्श और अक्षिता, आपको डाउट है किसी को? नो सर। दीपांश कौन है? सॉरी दीपांश। यस सर, आई एम श्रेया। ओके श्रेया, आप अच्छा अभी ज्वाइन किया आपने? यस सर। अच्छा देखो श्रेया, हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन में अभी तक मैंने इन बच्चों को ये बताया है कि प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। यहाँ बेसिकली मैंने अभी तक सिर्फ यही डिस्कस किया है कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स द इनपुट इनटू आउटपुट। फिर हमने बात करी कि आप कोई भी फैक्ट्री, कार, हाउसेस, फूड या कंप्यूटर, कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रही हो, कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रही हो, अल्टीमेटली उसे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, उसको हम कलेक्टिवली इनपुट या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और इस चैप्टर में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना श्रेया, उसको हमने चार हिस्सों में क्लासीफाई किया है कि जितने भी बिजनेस के लिए रिसोर्सेज होते हैं ना, वो इट कैन बी क्लासीफाइड एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार तरह के इनपुट्स कोई भी बिजनेस यूज करता है। और इसमें भी हम उसको फर्दर दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। जितने भी फैक्टर्स यूज कर रहे हैं ना बिजनेस, उनमें से कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो प्रोडक्शन के चेंज होने से रिलेटेड नहीं होते, प्रोडक्शन बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, कि प्रोडक्शन अगर चेंज होता है तो वेरिएबल फैक्टरी की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर हम कैफे की बात करें तो कैफे में कॉफी की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली कॉफी एक बेसिकली एक इनपुट है कैफे के लिए। तो अगर कैफे जो है 200 कप से 500 कप्स का प्रोडक्शन करेगा, तो जितना कॉफी उनको 200 कप्स के लिए लग रहा था, जितनी मिल्क की रिक्वायरमेंट उनको 200 कप्स के लिए थी, 500 कप्स के लिए उसके मुकाबले ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो रॉ मटेरियल बेसिकली क्या है? एक वेरिएबल फैक्टर। आमतौर पर इसके अंदर हम रॉ मटेरियल के अलावा लेबर और फ्यूल को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये सभी तक मैंने डिस्कस किया है। क्योंकि आप लेट आई हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो अगर प्रॉब्लम होगी आगे की डिस्कशन में तो आप पूछ सकते हैं। अभी चल रहे हैं आगे कि जब प्रोड्यूसर जो है वो जो फिक्स और वेरिएबल फैक्टर है या लैंड, लेबर, कैपिटल है, ये सब लगा के करता क्या है, क्या करता है सर? ये क्या करता है? प्रोडक्ट बनाता है, जाहिर है ना, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। तो जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बनाता है ना, उसको हम तीन हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है टोटल प्रोडक्ट, फिर होता है आपका एवरेज प्रोडक्ट, और एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। तीन तरह के प्रोडक्ट्स हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे एक प्रोड्यूसर जो है ना, मान लो प्रोडक्शन करने के लिए दो तरह के रिसोर्सेज यूज कर रहा है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सिर्फ माना है दो रिसोर्सेज यूज कर रहा है। मशीन है उसके पास 5, ठीक है, और इसके अलावा वो लेबर भी यूज कर रहा है, लेबर है उसके पास 10। तो मशीन कौन सा फैक्टर कहलाएगा बच्चों, बताइए, विच काइंड ऑफ फैक्टर इट इज, फिक्स या वेरिएबल? फिक्स्ड। फिक्स फैक्टर। और लेबर जो है वो क्या है? वो वेरिएबल फैक्टर है। तो याद रखो, किसी भी बिजनेस में ना दो तरह के फैक्टर्स का इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये कोई बिजनेसमैन है, मशीन 5 यूज कर रहा है, लेबर 10 यूज कर रहा है, और अल्टीमेटली वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है,
प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, सपोज कोई एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है, इसने क्या किया, 5 मशीन और 10 लेबर की हेल्प से प्रोड्यूसर हैव प्रोड्यूस्ड टोटल 5,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 5,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इसने प्रोड्यूस किया है, कितने रिसोर्सेज का यूज करके, 5 मशीन और 10 लेबर, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड टोटल आउटपुट। फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर, सारे फैक्टर अप्लाई करके जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है ना उसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट, समझ रहे हैं, टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय अप्लाइंग ऑल द यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्ट। आप मेरे को बताओ कि अगर 5,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी, 10 लेबर की जरूरत पड़ेगी ना, 10 स्टाफ लग रहे हैं आपको, 10 लेबर्स लग रहे हैं, 10 लेबर मिलके 5,000 यूनिट बना रहे हैं, आप मेरे को बता सकते हो अगर 10 लेबर मिलके 5,000 यूनिट बना रहे हैं तो एक लेबर ने तकरीबन तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कितना कितना प्रोडक्शन किया हुआ है, अगर 10 लेबर मिलके 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो एक लेबर ने कितना किया होगा, 500 है ना, श्रेया, अक्षिता, चेतना, क्लियर है आपको, अगर 10 लेबर 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो एक लेबर 500 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा होगा, किसी को डाउट है इसमें, तो एक लेबर जितना प्रोडक्शन करता है ना अप्रोक्सीमेटली दैट इज कॉल्ड योर एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं ना, बेसिकली जितना भी हमारा टोटल प्रोडक्ट हुआ है उसको हम क्वांटिटी सॉरी लेबर से डिवाइड करते हैं, यूनिट्स ऑफ लेबर, जितने लेबर्स आपने बिजनेस में लगाए हैं, तो लेबर्स हमारे पास है 10 और टोटल प्रोडक्शन हमारा 5,000, तो इवेंचुअली हमने एवरेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है हमारे लेबर ने 500 यूनिट्स, मतलब हर लेबर ना हमारा तकरीबन 500 यूनिट मैन्युफैक्चर करता है अप्रोक्सीमेटली, कोई ज्यादा करता होगा कोई कम करता होगा, लेकिन ऐसे जब एवरेज करते हैं तो सबके हिस्से में 500 पड़ता है। अच्छा अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद ना प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना चाहता है, तो मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे कि चेतना आप बताइए कि अगर एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है तो उसे मशीन बढ़ानी पड़ेगी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेबर बढ़ाना पड़ेगा, कौन सा वाला फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा सर, लेबर, लेबर, मशीन क्यों नहीं, क्योंकि मशीन फिक्स फैक्टर है सर, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं करते हम, ऐसा नहीं कि कभी जिंदगी में कभी चेंज नहीं होता, मतलब हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, शॉर्ट स्पैन की बात कर रहे हैं, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ना उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑब्वियसली जब हमारा बिजनेस बहुत एक्सपैंड हो जाएगा, हम एक और यूनिट एक और ब्रांच स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा मशीनों की जरूरत पड़ेगी, हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बहुत शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस की, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में आप देखोगे तो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, मशीन भी बढ़ जाती है, लेबर भी बढ़ जाते हैं, तो नथिंग इज फिक्स, एवरी फैक्टर इज अ वेरिएबल फैक्टर इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन शॉर्ट पीरियड में सारी चीजें फिक्स होती हैं, एक वेरिएबल होता है, तो हमारे वाले एग्जांपल में मशीन फिक्स है, लेबर वेरिएबल है। देखो मैं प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूं तो जाहिर है मुझे मशीन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे लेबर बढ़ाने की जरूरत है, मैंने एक और लेबर ऐड कर दिया तो टोटल 11 लेबर्स हो गए, अब 11 लेबर्स मिलके कितना प्रोडक्शन करते हैं, अब 11 लेबर्स मिलके ना 5,050 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, 5,080 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं, 5,080 यूनिट, 5,080 यूनिट्स। आप मुझे बताइए कि जब मैंने एक एक्स्ट्रा लेबर ऐड किया है तो मुझे कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिला, अक्षिता प्लीज आंसर, एक एक्स्ट्रा लेबर ऐड करने पे मेरे प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हो रहा है, अक्षिता अक्षिता यस सर, हाँ बताएं, 10 लेबर थे मेरे पास पहले, 5,000 का प्रोडक्शन करते थे, अभी 11 लेबर्स हो गए, तो ये 11 लेबर्स मिलके ना 5,080 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, 580। आप मेरे को बताओ एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर इंट्रोड्यूस करने पे मुझे कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिल रहा है, 5,080 कितना सॉरी 5,080 5,080 एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा बेटा, एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ, 80 एक्स्ट्रा है, करेक्ट, तो एक एक्स्ट्रा लेबर ऐड करने पे जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हम करते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट,
तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 80 इज द मार्जिनल प्रोडक्ट। पहले 5000 करते थे, अभी 5080 करते हैं, एक लेबर ऐड करने पे 80 का इंक्रीज हुआ है, तो 80 यूनिट इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। समझ आ गया सबको? किसी को डाउट है? प्रोडक्ट तीन तरह का होता है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल सिंपली मीन्स आउट टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय अप्लाइंग ऑल द यूनिट्स ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर, सारे फिक्स वेरिएबल लगा के जितना प्रोडक्शन हमने किया है, दैट इज टोटल। एवरेज क्या है कि हर एक लेबर ने जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया ना अप्रॉक्सिमेटली, दैट इज योर एवरेज प्रोडक्ट। और मार्जिनल क्या है सर? मार्जिनल सिंपल है, एक एक्स्ट्रा लेबर जब आप ऐड करते हैं ना, उस एक्स्ट्रा लेबर के आने की वजह से जो भी वैल्यू एडिशन होता है प्रोडक्शन में, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप भी नोट कर लें फटाफट से, इसको सॉल्व करेंगे साथ के साथ, और इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए भी। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें लेबर्स हैं और मशीन है जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हम कितना प्रोडक्शन करते हैं, हम टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब हमारे पास एक लेबर है ना, हमने 40 यूनिट प्रोड्यूस किया है, दो हो जाते हैं तो 90, फिर 120, उसके बाद भी 120 रहता है, फिर 100 हो जाता है। तो अभी आपको इतना लोड नहीं लेना कि ये फिगर्स कैसे आई है, या से रैंडम फिगर्स लिख दी है मैंने, हमें बेसिकली एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया ये? चेतना, अक्षिता और श्रेया, श्रेया नोट कर लिया? हाँ, ओके। चले, जो देखो सबसे पहली चीज तो एक यूनिट लेबर जीरो है आपका, ठीक है, तो प्रोडक्शन कितना होगा सर? प्रोडक्शन भी हमारा जीरो होगा, जीरो यूनिट ऑफ लेबर पे आपका प्रोडक्शन भी जीरो होगा। और मशीन क्या है सर? मशीन आप 5 मशीनें यूज कर रहे हैं, एक लेबर है आपके पास, आप प्रोडक्शन जब बढ़ाएंगे ना, आपको लेबर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मशीन तो आपको उतनी रखनी पड़ेगी ना, तो मशीन हमेशा फिक्स रहती है, ये याद रखिएगा। मशीन आप अगर प्रोडक्शन नहीं भी करेंगे ना, प्रोडक्शन आपका अगर जीरो भी है तो भी मशीन एप्लीकेबल होगा, मशीन रहेगी आपके फैक्ट्री में। अगर आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम मशीन उठा के बेच देंगे, प्रोडक्शन नहीं करोगे तो भी मशीन होगी, लेकिन हाँ प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आपको लेबर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेबर जीरो होगा, प्रोडक्शन जीरो होगा, लेकिन मशीन एप्लीकेबल होगा। आप फटाफट से एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, अजान हो जाएगी उसके बाद में कंटिन्यू करता हूँ।
हाँ कर लिया आप लोगों ने, पहला वाला क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। श्रेया, अक्षिता, चेतना, स्पर्श, क्वेश्चन हो गया स्पर्श। यस सर। चलिए देखिए मैं बता देता हूँ आपको, मैंने चैट में भेज भी दिया लिख के। एवरेज प्रोडक्ट क्या आएगा अगर जीरो यूनिट ऑफ लेबर है, टोटल प्रोडक्ट जीरो है, तो एवरेज प्रोडक्ट कितना होगा? सर जीरो ही होगा, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट को हम लेबर की क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। टोटल प्रोडक्ट अगर जीरो है, लेबर भी आपका जीरो है, तो जीरो डिवाइडेड बाई जीरो इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और उसके बाद फिर टोटल प्रोडक्ट 40, लेबर 1, तो 40 डिवाइडेड बाई 1 करोगे 40 आएगा। फिर 90 और लेबर है 2, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 45। फिर 120 और लेबर्स है 3, तो 120 डिवाइडेड बाई 3 विल बी 40। फिर 120 एंड डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा 30, और 100 डिवाइडेड बाई 5 20। जिन्होंने कर लिया है वो वेरीफाई कर ले, आपका आंसर सेम आना चाहिए, 0, 40, 45, 30 और 20। अब मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, जो भी चेंज हो रहा है ना प्रोडक्शन में, जो भी टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है ना, उसको मार्जिनल कहेंगे, याद रखिए। तो जीरो यूनिट पे टोटल प्रोडक्ट जीरो था, तो यहाँ तो मार्जिनल नहीं निकलेगा। लेकिन आगे देखो, 40 जीरो से 40 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ है सर, 40 इंक्रीज है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी 40। फिर 40 के बाद 90 हो गया, कितना इंक्रीज है 50, तो मार्जिनल विल बी 50। फिर 90 से 120 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ है 30, और फिर 120 से 120 ही रहा, बताओ मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा यहाँ पे, श्रेया कितना आएगा? श्रेया मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा? श्रेया आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। चेतना बताइए, आप बता दो कितना होगा, या अक्षिता बता दो। सर मेरी आवाज, अभी आई है आवाज आपकी, ठीक है। सर जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि टोटल प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा सर, पहले भी 120 था, अभी भी 120 है, देयर इज नो चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट, हेंस मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी जीरो। अच्छा फिर 120 से 100 हो गया, अब यहाँ पे कितना आएगा बताएंगे? 120 से 100 हो गया, माइनस में आएगा, माइनस 20, कि पहले 120 था, अभी प्रोडक्शन घट रहा है, डिक्रीज हो गया, तो 100 वो 20 का डिक्रीज है, तो माइनस 20, समझ आ गया। अच्छा अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लो मैंने आपको मार्जिनल प्रोडक्ट दे रखा है, मार्जिनल प्रोडक्ट मैं मान लेता हूँ 30 है, फिर 50 है, फिर 60 है, फिर 20 है, और फिर 0 है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट्स हैं। आपको टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट बताना है, टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट 60 के बाद 20 है, फिर 0 है। करिए, ट्राई करिए फटाफट से सब लोग, उसके बाद मैं करवाऊंगा, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो फिक्स फैक्टर वाला जो कॉलम है वो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्स फैक्टर तो सर फिक्स ही रहने हैं ना। अगर मैं मशीन का भी यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा तो उसको बना के कोई फायदा नहीं है, उसका कोई रेलेवेंस है नहीं, फिक्स फैक्टर आर ऑलवेज फिक्स, तो उसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये दो क्वेश्चन करने हैं, पहले आप सेकंड कर लें, थर्ड पे बाद में आते हैं, हो जाए तो बताइएगा। श्रेया का हो गया, ओके। श्रेया के अलावा किसी का? ओके, चेतना, अक्षिता, फास्ट। अक्षिता कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी तरह की, किसी कोई डिफिकल्टी है अंडरस्टैंडिंग में? चले ओके, तो क्वेश्चन नंबर टू मैं सॉल्व करवा देता हूँ। देखो मार्जिनल प्रोडक्ट आप लोग टैली कर लीजिएगा, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट दे रखा है, सबसे पहले तो मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि टोटल प्रोडक्ट में जो भी एक्स्ट्रा चेंज आता है ना, जो भी एडिशन होता है, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक्स्ट्रा इन टोटल प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो एक फर्स्ट वाले यूनिट पे ना याद रखिए, फर्स्ट यूनिट पे टोटल एवरेज मार्जिनल एवरीथिंग इज सेम, हमेशा तीनों चीजें सेम होती हैं फर्स्ट यूनिट पे। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट 30 है तो एवरेज भी 30 होगा, टोटल भी 30 होगा। अब मार्जिनल प्रोडक्ट 50 है, इसका मतलब प्रोडक्शन में 50 यूनिट्स का चेंज आया है, प्रोडक्शन में 50 यूनिट्स का चेंज आया है। तो 50 यूनिट का चेंज आने का मतलब कि पहले से प्रोडक्शन, पहले टोटल प्रोडक्ट कितना था, 30 था, अभी 50 का चेंज होने का मतलब क्या हो जाएगा कि टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 80। फिर टोटल प्रोडक्ट जो है कितना चेंज हो रहा है, 60, है ना। मार्जिनल प्रोडक्ट 60 है, इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट 60 चेंज हुआ, 80 था और अभी 60 और चेंज होगा, कितना हो जाएगा, 140। इसके बाद 20 का और चेंज आ रहा है उसके अंदर, 140 पहले से है, 20 और चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, 160। अच्छा नेक्स्ट फिफ्थ वाली यूनिट पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब बताएंगे फिफ्थ पे टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, 160 होगा, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हो रहा है सर। अच्छा अब देखो एवरेज निकालना आसान है, टोटल प्रोडक्ट को आप लेबर से डिवाइड कर दें, टीपी डिवाइडेड बाई एल इक्वल्स टू एवरेज। तो 30 डिवाइडेड बाई 130, 80 डिवाइडेड बाई 2 40, 140 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा ये 70, नहीं 46.66, फिर ये आ जाएगा 40 और 160 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा 32, ठीक है, यस सर। चलें अब अगला क्वेश्चन ट्राई करें, क्वेश्चन थर्ड, डन सर, ये भी कर लिया, चले बहुत अच्छी बात। श्रेया थोड़ा आराम से, बाकी आप लोग कर लें, चेतना, अक्षिता, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, स्पर्श, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। श्रेया अभी आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर अभी तो स्टैट्स करवा रहे हैं। अच्छा स्टैट्स करवा रहे हैं, और ये वाला चैप्टर करवा रखा है स्कूल में, प्रोडक्शन फंक्शन? नो सर अभी नहीं करवाया, अभी नहीं करवाया। ओके चेतना है, अक्षिता, चेतना है, अक्षिता, गाइस इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी प्लीज लेट मी नो, क्योंकि ऐसे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है कि आपसे क्वेश्चन हो पा रहे नहीं हो पा रहे। तो अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी, किसी भी तरह की परेशानी, किसी चीज को समझने में कोई परेशानी है तो प्लीज लेट मी नो। चेतना आपको भी टाइम लग रहा है बेटा, अक्षिता, यस सर, चले देखिए मैं करवाता हूँ। लेबर जो है 0 है तो जाहिर है मार्जिनल प्रोडक्ट तो कुछ कैलकुलेट होगा नहीं, इस पे एवरेज भी 0 होगा, टोटल भी 0 होगा। और फर्स्ट वाली यूनिट पे, फर्स्ट लेबर पे हमेशा हर चीज इक्वल रहती है, तो फर्स्ट पे अगर एवरेज 25 है तो टोटल भी 25 और मार्जिनल भी 25। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब देखिए एवरेज है 30, दो लेबर का एवरेज 30, मतलब दो लेबर्स ने अप्रोक्सीमेटली 30 यूनिट प्रोड्यूस किया है, दो लेबर्स ने 30 यूनिट प्रोड्यूस किया है, तो दोनों मिला के कितना किया होगा उन्होंने,
60 भाई देखो एक्चुअली एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टीपी डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, आपको एवरेज प्रोडक्ट दे रखा है, टीपी निकालना है, टोटल प्रोडक्ट निकालना है। तो अब टीपी निकालने के लिए एवरेज प्रोडक्ट और लेबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आपको फॉर्मूले के थ्रू जाना है तो। वैसे तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो इसका क्या कॉन्सेप्ट, इसका इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि एवरेज प्रोडक्ट को लेबर से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो 30 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 60, फिर 30 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 60, 40 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा 120, 30 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा 120, और फिर है एवरेज प्रोडक्ट 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा 75, ठीक है। अब मार्जिनल तो आप निकाल ही लोगे, जो भी इसमें चेंज आ रहा है ना टोटल के अंदर उसको हम मार्जिनल कहेंगे। तो 25 से 60 हो गया, सेकंड दूसरा लेबर आया ना, तो हमारा प्रोडक्शन 25 से बढ़ के 60 हो गया, 25 से 60 हो गया, कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज है, 35 विल बी योर मार्जिनल प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बाद 60 से 120 हो गया सीधा, तो 60 का चेंज है, फिर 120 से 120 का ही रहा, इसका मतलब जीरो चेंज है। अभी 120 से घट के 75 हो गया, मतलब बहुत डाउन हो गया, कितना डाउन हो गया, -45, बहुत बढ़िया, अच्छा बढ़िया, दिस इज इट। तो होपफुली जो भी मैंने आज पढ़ाया आपको सब क्लियर होगा। आज की क्लास में हमने बहुत कुछ डिस्कस नहीं किया है, आज की क्लास में मैंने आपको बहुत थोड़ी चीजें बताई हैं, आपको बताया है प्रोडक्शन क्या होता है, आपको इसके अलावा बताया कि प्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के बाद जो आउटकम, जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है, वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, इनपुट हमारी नीड को सेटिस्फाई नहीं करता है ना। जो जैसे सपोज मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन बहुत सारे इनपुट्स को जोड़ के बना है, इसमें प्लास्टिक है, रबर है, मेटल है, बहुत सारी चीजें लगी हैं, ग्लास है, लेकिन अगर आपको ये सारे इनपुट्स ऐसे हाथ में थमा दिए जाए ना, तो आपके लिए यूजलेस है। अल्टीमेटली ये सारी चीजें एक प्रोसेस से होकर गुजरेगी, अल्टीमेटली आपके हाथ में फोन मिलेगा, फोन आपके लिए यूजफुल है, इनपुट आपके लिए यूजफुल नहीं होता। तो प्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो इनपुट्स की यूटिलिटी इनहेंस करता है, मतलब इनपुट्स को यूजफुल बनाता है आपके लिए। इसके बाद हमने बात करी प्रोडक्शन करने के लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत हमें पड़ती है, उसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। आमतौर पर इसके अंदर चार चीजें इंक्लूड होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और यूजुअली हम इसको दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं नेचर के बेसिस पे। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको प्रोडक्शन थ्रू आउट दी प्रोडक्शन हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब टिल दी सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, एक सर्टेन स्केल तक हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे कहते हैं फिक्स फैक्टर। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन आप बढ़ाओगे तो भी चेंज होगा, प्रोडक्शन घटाओगे तो भी चेंज होगा। तो प्रोडक्शन बढ़ाओगे ज्यादा लगेगा, प्रोडक्शन घटाओगे कम लगेगा, प्रोडक्शन नहीं करोगे तो नहीं लगेगा, उसे हम वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। जो चेंज नहीं होता उसे फिक्स फैक्टर कहते हैं। फिर हमने बात करी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अप्लाई करके अल्टीमेटली बनाते क्या है, प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट मतलब जो भी फाइनल गुड है। और प्रोडक्ट को हमने 300 में क्लासिफाई किया, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल मैंने आपको बताया, फिक्स वेरिएबल सब अप्लाई करके जितना प्रोडक्शन आप करते हैं ना, दैट इज योर टोटल प्रोडक्ट। और हर एक लेबर जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है ना, अप्रोक्सीमेट उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। और एक एक्स्ट्रा लेबर ऐड करने पे जितना एडिशन होता है ना प्रोडक्शन में, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो दिस इज इट, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम में आप मान लीजिए ऑलमोस्ट 90% चांस है कि वो सवाल आएगा ही आएगा। इस चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं हमेशा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उस पर हम लोग बात करेंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंदी है और कॉन्सेप्चुअल है, तो जो भी मैंने आज पढ़ाया ना, आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं कोई डिफिकल्टी होती है तो अगली क्लास में स्टार्ट जब हम करेंगे तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलें, दिस इज इट, आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तो गुड बाय, बाय सर, बाय बाय सर, बाय स्पर्श।